अभी क्या कि इथेरियम का जो मर्ज है वो स्टार्ट हो चुका है, यानी कि ये इथेरियम को प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में शिफ्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से दो तरह के कॉइन्स बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें दे सकते हैं इन दिनों के अंदर, क्योंकि 15 सितंबर तक ये जो पूरा मर्ज चल रहा है कंप्लीट होगा या फिर इसका प्रोसेस 20 सितंबर तक भी जा सकता है, और यही कुछ ऐसे क्रूशियल डेज हैं जिनके अंदर हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो इसी के बेसिस पर मैं कुछ कॉइन्स की लिस्ट लेकर आया हूँ। एक तो ऐसे कॉइन्स आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि $1 से भी सस्ते हैं, यानी कि इवन 50 सेंट से भी सस्ते हैं। तो अगर आप $10 के या फिर $20 के $50 के अगर आप लेके रख लेते हो तब भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा इन दिनों के अंदर, क्योंकि ये कॉइन्स इथेरियम के बेसिस पर चलने वाले हैं और इसी के बेसिस पर हमें अच्छा प्रॉफिट भी देंगे और ये प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। दूसरे कुछ और कॉइन्स हैं जो कि होंगे थोड़ी हाई वैल्यू वाले, लेकिन उनके प्राइस में भी अभी इंक्रीज आ सकता है। द रीज़न बीइंग क्योंकि जो GPUs हैं, जितने भी माइनिंग रिग्स हैं, क्योंकि वो अभी आइडल हो जाएंगे। आइडल कहने का मतलब पहले तो वो इथेरियम माइन कर रहे थे, अगर वो इथेरियम माइन नहीं करेंगे तो उनको ऐसा तो नहीं कि सेल ऑफ कर दिया जाएगा। तो जितने भी माइनर्स हैं वो इन माइनिंग रिग्स के द्वारा और कई सारे ऐसे कॉइन्स हैं जिनको वो माइन करने वाले हैं, तो ये कॉइन्स भी बहुत यूनिक है, शायद आपने पहले ना भी सुनी हो, लेकिन इनके जो यूज़ केस है वो भी बहुत यूनिक हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होगा उन सभी के लिए जो एक अच्छा प्रॉफिट बनाने हैं इस मार्केट में। ऑलरेडी हम कॉल्स शेयर कर रहे हैं हमारे टेलीग्राम के ऊपर, वॉफ्ट ऑफिशियल के ऊपर। हमारा प्रीमियम भी आ चुका है सिर्फ $30 का, तो वो भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दो। अभी से मैं सबसे पहले कॉइन की बात करता हूँ, तो यहाँ मैं थोड़ा एक चीज़ का अभी ध्यान रखूँगा कि स्टार्टिंग में वही कॉइन्स डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल लो वैल्यू वाले हैं। तो यहाँ दो कैरेक्टरिस्टिक बताऊँगा हर एक कॉइन के। एक तो ये कि क्यों ये ग्रो होने वाला है, क्या ये माइनिंग की वजह से या फिर ये इथेरियम चेन के ऊपर बिल्ट है इसकी वजह से। तो हमारा पहला ऐसा कॉइन है वर्थ कॉइन, VTC के नाम से, VERTCOIN। तो वर्थ कॉइन जिसकी वैल्यू चल रही है करीब 0.155, बोल सकते हैं कि लगभग 15 सेंट के आसपास चल रहे हैं। ऑल टाइम हाई की बात करें तो करीब $1.25 के आसपास गया था। शायद ये कॉइन आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन इंडिविजुअल माइनर्स जो हैं वो अपनी इंडिविजुअल माइनिंग वर्ल्ड कॉइन के ऊपर भी कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो इथेरियम को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि छोड़ना ही पड़ेगा, इथेरियम तो प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली वर्ल्ड कॉइन को माइन करने वाले हैं। तो यहाँ बेसिकली एक चीज़ देखने वाली है कि वैसे तो ASIC से भी ये माइन किए जा सकते हैं। ASIC यानी कि जिससे बिटकॉइन की माइनिंग करी जाती है, एक बहुत बड़ी मशीन होती है, बहुत बड़ी तो नहीं लेकिन बहुत हैवी और उसकी पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है। तो ये GPU और FPGA के द्वारा माइन किया जा सकता है, इसकी अपनी खुद की वर्क एंड ब्लॉकचेन है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन माइनर्स के लिए, GTX 1080, 1080 Ti, Radeon RX 560, RTX 2080, GTX 1660, तो ये वाले कार्ड्स के द्वारा इसकी माइनिंग करी जा सकती है। तो अगर आपके पास ये कार्ड्स पड़े तो आप इनके ऊपर माइनिंग शुरू कर सकते हैं। अब दूसरा कॉइन अगेन $0.03 के आसपास है, बहुत ही सस्ता कॉइन है, रेमन कॉइन जो है, RVN इसका सिंबल है। तो ये भी कॉइन बेस्ट है, शायद आपने ऑलरेडी बहुत बार कई जगह पे सुन लिया होगा। इसका ऑल टाइम हाई 0.14 के आसपास किया था। तो एक्चुअल में बात यह है कि यहाँ अगर माइनिंग करी जाती है तो इसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा माइन हो सकती है। तो जितने भी बिगनर्स हैं माइनिंग के, वो अगर उनके पास कोई भी चीज़ नहीं रह जाती ना, तो वो रेमन कॉइन को ही माइन करते हैं। जैसे कि अगर उनके पास बी माइनर है, NB माइनर है, डेमो माइनर है, तो वो इसमें माइनिंग कर सकते हैं। टू माइनर्स ब्लॉक्स विथ 20 और, तो इन जितने भी ये पूल्स हैं इनमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एक्चुअल में ये ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर ऑफ ट्रेडिंग ऑफ एसेट्स फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, कोई बहुत बड़ा यूज़ केस नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा माइन किए जाने वाला कॉइन यही है और इसकी वैल्यू बहुत लो है, जिस कारण अगर आप थोड़े से डॉलर्स का भी ये कॉइन लेते हो तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तीसरा हमारा कॉइन है ग्रिन के नाम से, GRIN, अगर आप सर्च करोगे तो आपको CMC के ऊपर भी मिल जाएगा। $0.06 के आसपास इसकी वैल्यू चल रही है और ऑल टाइम हाई कोई बहुत ऊपर नहीं गया, $0.4 के आसपास चल रहा है। तो इसका जो मेन यूज़ केस है प्राइवेसी एप्लीकेशंस का, तो ये भी जनरल जो GPUs रहते हैं उससे भी माइन किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म है या फिर ऐसा ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर पब्लिक व्यूइंग नहीं रहती, अमाउंट कितना सेंड किया गया, कितना रिसीव किया गया, क्योंकि इससे क्या कि प्राइवेसी बहुत लोगों की ख़राब होती है। तो बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो ऐसे ब्लॉकचेन्स को भी यूज़ करते हैं, यानी कि इस चीज़ को भी प्रेफरेंस दी जाती है, जैसे कि स्विस बैंक को भी प्रेफरेंस दी जाती है। अब हमारा चौथा कॉइन और पांचवा कॉइन दोनों कॉइन्स हटके हैं, इसका शायद आपको लगेगा कि लेना देना नहीं है इथेरियम के साथ, लेकिन ये इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बिल्ड किए गए बेस्ट कॉइन्स में से एक है। तो ये हमारा चौथा कॉइन है इंजन कॉइन, ENJ के नाम से, $0.49 के आसपास चल रहा है, यानी कि अगेन $0.50 के आसपास ही चल रही है इसकी वैल्यू। ऑल टाइम हाई इसका लगभग $5 तक गया था। तो ये एक तरीके का गेमर्स का डेवलपर्स प्लेटफॉर्म है, यहाँ इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बिल्ड किया गया, इसके ऊपर गेम्स भी बिल्ड करी जाती हैं।
तो ये एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया गया जहाँ इंटरकनेक्टेड ब्लॉकचेन बेस्ड गेमिंग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। NFTs मार्केटप्लेस यानी कि ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि वेब 3 के ऊपर काम चल रहा है और ये इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बिल्ड किया गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें थोड़ा बहुत मूव हमें देखने को मिलेगा मर्ज आने से पहले, लेकिन मेक श्योर कि आप प्रॉफिट पहले ही बुक करें। पांचवा कॉइन है द सैंडबॉक्स। अब आपको फिर से लगेगा कि सैंडबॉक्स का इथेरियम के साथ क्या लेना देना, लेकिन द सैंडबॉक्स इथेरियम के ऊपर बिल्ड किया गया। तो जो कॉइन्स इथेरियम के ऊपर बिल्ड किए गए हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें हो सकता है कि कुछ अमाउंट आना शुरू हो जाए, इनफ्लोज आएंगे, अगर फंड्स आएंगे मार्केट में तो इनकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो अगेन ये भी $1 से सस्ता है, $0.88 के आसपास चल रहा है, यानी कि 88 सेंट का चल रहा है, जिसका ऑल टाइम हाई इससे 10 गुना था, यानी कि $8.5 के आसपास था। तो इसमें जो पोटेंशियल है वो बहुत ही बढ़िया है, इसकी कोलैबोरेशन बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ है, तो इसको हम कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे। आज द सैंडबॉक्स एक ऐसा ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर वर्चुअल वर्ल्ड बनाया गया है, वर्चुअल इकोसिस्टम बनाया गया है, इवन ये खुद डाओ के ऊपर भी काम कर रहा है, NFTs के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये हमारे लगभग 5 कॉइन्स हो चुके हैं, जिसमें वर्थ कॉइन, ग्रीन, रेवन कॉइन, एंजन और द सैंडबॉक्स, ऐसे कॉइन जो $1 से सस्ते हैं। अब चलते हैं उन कॉइन्स के ऊपर, लगभग 2-3 और कॉइन्स हैं जो कॉइन्स बहुत ज़्यादा वैल्यू वाले हैं, पहली बात। दूसरा ये कि माइनिंग इनकी एक मेजर लेवल पे, एक बड़े लेवल पे शुरू करी जाएगी। तो हमारा पांचवा कॉइन के बाद अभी जो छठा कॉइन है वो है इथेरियम क्लासिक ETC। ये बहुत बार आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कई सारे वीडियोस में बता चुका हूँ, ETC में आप बाइंग करो, अभी चल रहा है क्योंकि 15% नीचे इसकी वैल्यू आ चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, लेकिन फिर भी कोशिश करना है 30 या फिर उससे भी नीचे अपने बाइंग ऑर्डर्स लगा के रखो, लिमिट ऑर्डर्स लगा के रखो, ताकि अगर प्राइस और भी ज़्यादा नीचे गिरता है तो आपको यहाँ बाइंग करने का मौका मिल जाए, क्योंकि इसकी माइनिंग मेजर लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे शुरू हो जाएगी। तो ETC आपको एक अच्छा प्रॉफिट देगा। हमेशा ही ETC की वैल्यू पहले बहुत कम होती थी, लेकिन इसने पिछले साल के अंदर एक अच्छा मूव लिया और लगभग $65 तक गया था। तो इसको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि ETC क्या चीज़ है, आप सभी ऑलरेडी जानते होंगे। अगर नहीं जानते किसी भी कॉइन के बारे में, जो पूरी लिस्ट है नीचे कमेंट करें और डिटेल भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब इससे थोड़ी और ऊपर की वैल्यू वाला ZEC, जी कैश का, तो ये भी ऐसा कॉइन है जिसकी माइनिंग करी जा सकती है। अभी चल रहा है $58 के आसपास, और थोड़े टाइम पहले इसकी वैल्यू चल रही थी लगभग $65 के आसपास, ऑल टाइम हाई इसका $300 से भी ज़्यादा है, यानी कि इसकी पोटेंशियल बहुत बड़ी है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ZDC अगर आप 2-3 भी लेते हो जस्ट टू बाय द डिप, तब भी आपको ये फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट देगा, क्योंकि इसकी माइनिंग भी एक बड़े लेवल पे हो सकती है। तो ये उन कॉइन्स में से एक है। अब आखिरी लास्ट कॉइन, क्योंकि हम धीरे धीरे बढ़ती हुए मतलब प्राइस के हिसाब से बढ़ रहे थे, अब आ गया मोनेरो। $147 का है, इसका हाई जो है पिछले 24 घंटे का वो $155 था, एंड वैसे अगर हम एक साल के ऑल टाइम हाई की बात करें तो लगभग $300 तक ये गया है। तो XMR इसका सिंपल है, XMR आप बाय कर सकते हैं। तो मोनेरो को भी माइनिंग मोस्ट प्रॉब्ली इसकी शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसे गिने चुने कॉइन्स हैं जिनकी माइनिंग शुरू हो जाएगी, जैसे कि मोनेरो है, ETC है, जी कैश है, ZDC, इसी के साथ जो रेवन है या फिर ग्रीन है, वर्ड कॉइन है, इनकी माइनिंग शुरू हो जाएगी। और मैंने आपको वैल्यू के हिसाब से भी बता दिए 4-5 कॉइन्स जो $1 से नीचे हैं, और आपको ऐसे कॉइन्स भी बता दें जो इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बिल्ड किए गए, जिनके ऊपर इंपैक्ट भी पड़ सकते हैं। तो लगभग सारी कैटेगरीज हमने कवर कर दी हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई और कॉइन लगता है जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो नीचे कमेंट जरूर करना। बाकी मैं अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर देता रहूँगा, वॉफ्ड ऑफिशियल के ऊपर। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉफ्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन आने वाले वीडियोज़ के सबसे पहले पहुँचे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।